हमारी माताएं बहने एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम, एक बहुत ही अनकॉमन सिम्टम से वो हर बार परेशान हो जाती है। यानी जैसे ही उनका पीरियड आने को होता है वैसे ही उनके सर में भयंकर दर्द होने लगता है। यानी कि पीरियड जब भी आने को होगा सर में दर्द होगा ही होगा, और वो भी बहुत ज्यादा, यानी कि कैट्रल हेडक बिफोर एमसी। साथियों इसके साथ ही साथ और भी तमाम समस्याएं, जैसे गर्दन की समस्या, नाक की समस्या, जोड़ों की समस्या और भी समस्याओं का मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक समाधान लेकर के आया हूं। आप लोग मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आज मैं देखिए कैसे आपकी समस्याओं का, इन समस्याओं का एक बहुत ही अचूक समाधान बताता हूं। जी हां, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी के माध्यम से आज होम्योपैथी की स्टिक्टा का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करने जा रहा हूं। यानी कि होम्योपैथी की बहुत ही मशहूर दवा स्टिक्टा आप लोगों के लिए कितनी कारगर है मेरी एक एक बातों से आप समझ जाएंगे। अब साथियों देखियो, पीरियड आने से पहले सर में भयंकर दर्द, इसके साथ ही साथ आपके गर्दन जो है बिल्कुल स्टिफ रहती है, आप गर्दन मोड़ना चाहते हो, बिल्कुल लगता है कि गर्दन टूट जाएगी, यानी स्टिफनेस ऑफ नेक, ये बहुत कॉमन सी बात है। अक्सर लोग देखे होंगे कि बैठते हैं तो गर्दन जो है उनकी टेढ़ी करके बैठते हैं, कभी कभी वो गर्दन जरा सा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, लेटते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो उनके गर्दन में दर्द होने लगती है। इसके साथ ही साथ नाक के अंदर ऐसा लगता है कि स्टिफनेस है, नाक बिल्कुल भरी हुई है, नाक से कोई भी चीज अगर वो इंस्पायर करना चाहते हैं कि कोई चीज जो है सांस गहरी लेना चाह रहे हैं तो वो भी वो सही से नहीं कर पाते हैं। यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ रूट ऑफ नोज, अंदर जो रूट में लगता है कि नाक भरी भरी होती है। ड्राइनेस ऑफ नेजल मेम्ब्रेन, नाक की जो मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा जो है ड्राई ड्राई सी रहती है उनकी। और एक देखिए कितनी बड़ी चीज, वो बार बार सोचते हैं कि नाक से कफ निकल जाए लेकिन उनका प्रयास असफल रहता है, इसलिए कि नाक में कफ होता नहीं है लेकिन लगता है कि नाक में कुछ कफ भरा हुआ है। यानी कांस्टेंट नीड टू ब्लो द नोज बट नो डिस्चार्ज, कितनी देखिए अक्सर आप लोगों को होता कि बहुत लोग देखे होंगे कि नाक से कफ निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन निकलती नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं, बार बार ऐसा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके साथ ही साथ आपको कफ बहुत ड्राई होगा, ड्राई कफ और वो भी हैकिंग कफ होगा, लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ, ड्राई हैकिंग कफ, और जब वो सांस लेते हैं तो कफ बढ़ती है। देखिए यही होम्योपैथी है साथियों, आप लोगों को जो मैं बात बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यानी देखिए खांसी की दवा तो एलोपैथी में कॉमन है, भाई खांसी हो रही कोई सिरप लेके पी लो, लेकिन वह रे होम्योपैथी आप देखिए कैसे एक एक चीजों को क्लियर करके आपको ले रही है। और साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर जो मैं कह रहा हूं इस तरह की चीज मिल गई ना तो खांसी क्या, किसी भी तरह की खांसी होगी ना उसका पता नहीं चलेगा कहां चली गई। यही होम्योपैथी को समझना, यही डॉक्टरों को भी, यही आपको भी मैं आग्रह करूंगा अपने शुभचिंतकों से कि आप जब भी किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाइए तो बताने में कोई चीज शर्म मत करिए, आप पूरी बात जैसे जैसे होता है पूरी बात बताइए, इसलिए कि आपकी कौन सी बात हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाए ये आप नहीं एक चिकित्सक ही समझ सकता है। तो देखिए कैसे, यानी कि ड्राई हैकिंग कफ एग्रेवेशन फ्रॉम इंस्पायरेशन, यानी सांस लेने से खांसी बढ़ रही है। इसके साथ ही साथियों आपके जोड़ों में दर्द होता है, और आपके कभी कभी देखते होंगे कि जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन अब देखिए
उस स्वेलिंग के जगह पे स्पॉट पड़ जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जोड़ों के जो स्वेलिंग होते हैं उस पेट उस पे स्पॉट पड़ जाता है और उस स्पॉट पे दाने पड़ जाते हैं, और दाने कैसे होते हैं, रेड रेड से होते हैं। यानी कि स्पॉट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस ओवर अफेक्टेड इन्फ्लामेटरी ज्वाइंट्स। साथियों, कितनी महत्वपूर्ण चीजें आज आप लोगों को जानने को मिला। और सबसे अच्छी चीज क्या समझिए कि अगर ये कंप्लेंट, जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा है, नाक में आपकी फुलनेस हो रही है, आपको जो है और भी कोई समस्या हो रही है, और क्या हो रहा है, जब मौसम की में बदलाव आता है, जैसे अब गर्मी से बरसात आने लगा, गर्मी जाड़े से गर्मी आने लगी, तो ये कंप्लेंट अगर बढ़ रहे हैं तो स्टिक्टा आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज और खास तौर से हमारी माताएं बहनें जो इस तरह की समस्या से परेशान रहती थी या हैं, अगर उन्होंने स्टिक्टा को यूज कर लिया तो सचमुच में उनका सर दर्द अगले पीरियड में तो नहीं आएगा। आपका अगले आने वाला जो पीरियड होगा ना, वो बहुत ही अच्छे माहौल में आएगा, आपके सर में दर्द नहीं होने देगी ये दवा। अब आपका इसका प्रयोग कैसे करना है, स्टिक्टा 30 में, अगर सपोज करिए कि आपका पीरियड मान लीजिए कि 2 तारीख को आता है और आपके सर दर्द 1 तारीख से या उसके शाम से ही बहुत तेज होने लगता है, तो आपको करना क्या है कि 1 हफ्ता पहले से ही स्टिक्टा 30 में 2-2 घंटे में 5-5 बूंद आपको लेना, और इसे मतलब पीरियड आने के बाद भी कम से कम 1-1.5 महीने तक खा लीजिए। जब दूसरा पीरियड चेक कर लीजिए, अगर आप देख लीजिए कि नहीं अब मेरे पीरियड में दर्द नहीं होती है, तो फिर इस दवा को बंद कर दीजिए। हमारे वो साथी जिनके नाक में जो परेशानी मैंने बताया, अगर उनको ये समस्या है तो कम से कम स्टिक्टा 30 को 3-4 महीना वो यूज करें, उन्हें आराम मिल जाएगा। और जोड़ों में दर्द वाले साथियों, इस दवा को आपको थोड़ा ज्यादा भी प्रयोग करना पड़ सकता है, ये कंडीशन टू सीवियरिटी डिपेंड करता है। और अगर इन दवाओं के इस दवा के प्रयोग से आपको इसके बाद भी आशा से सफलता नहीं मिलती है, आपको लगता है कि मुझे पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो निश्चित रूप से देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर टेकिंग डोज। अब आपको अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर के और उसके निर्देशानुसार इस दवा की डोजिंग, इसका प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से आपको इस समस्याओं से समाधान हो ही जाएगा। डॉक्टर एस बी तिवारी आपकी सेवा में नित्य नई जो है अपनी जानकारियों के हिसाब से और आपकी सेवा के लिए कृत संकल्पित रहता है। मेरा नंबर मेरे स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, आप कॉल करके मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के कमेंट करके क्लिनिक पर मिलकर के जैसे भी हो आप सेवा ले सकते हैं। और खुशखबरी यह है कि आपकी दवाएं घर तक जाने की भी सुविधा है। आप दुनिया के किसी कोने में हो, देश के किसी कोने में हो, आपको दूसरे से तीसरे दिन दवा आपके घर तक पहुंचाई जाती है। तो आप कल्याणम सेवा संस्थान का लाभ उठाइए, और अगले एपिसोड पर मैं किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।